ये देखें पूरा हाथ जख्मी हो गया मेरा। अभी खून इतनी मुश्किल से रुका हुआ है, अभी जाके इसका कोई इलाज करते हैं। तो ये जरी बार फिलहाल गर्मी बहुत थी, लाइट भी नहीं थी, तो मैं निकल के आ गया नहर पे। आगे नहर पे आया हूँ तो बहुत ज़्यादा रश है यहाँ, बीच में पैसे भी है, जानवर भी, हर चीज़ बीच में ही है। पानी थोड़ा सा कम है नहर में, इसलिए बैठा भी नहीं जा रहा। बैठ मैंने कहा था कि बैठ के पाँव जो है ना नहर में रख के, तो फिर आराम से बैठे रहेंगे, थोड़ी सी ठंडक मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर नहर में ना बहुत ज़्यादा वो रश पड़ा हुआ, इसलिए अभी चलते हैं वापस इंशाल्लाह घर जाते हैं। तो गर्मी के साथ है ना नहर पे आ जाना, काफ़ी मकदार में लोग जो है ना पूरी नहर भरी हुई ज़्यादा लोग जो है ना नहर के ऊपर जमा हो गए थे। चारा मौसम में बहुत बड़ा बड़ा हो गया, यहाँ पे चारा हुआ करता था, यहाँ पे इन लोगों ने अपना फ्लोटिंग करनी शुरू कर दी थी। बन गई, ये पता नहीं कब बनेगी और कब तैयार होगी। फिलहाल अभी इन्होंने दीवार कर दी है चारों तरफ, बाकी देखें क्या होता है। हाँ जी व्यूअर, तो देख लें कैसे पसीने से बुरे हालात हुए हमें, क्योंकि बारिश सुबह हल्की फुल्की हुई है, लेकिन अभी ऐसे ना घुड़सा लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा आपस बनी हुई है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और ये देखिए हाथ भी ज़ख्मी हो गया मेरा, हाथ के ऊपर चोट लग गई है, और जरी लगा रहा था तो वो छैनी लगी है थोड़ा, तो काफ़ी खून जो है ना ब्लड निकल रहा है। अभी जाते हैं इसका कुछ इलाज करते हैं, क्योंकि अभी खाने का टाइम हो गया। मिस्त्री जो अभी खाना खाने गए हैं, जैसे ही वो खाना खा के आते हैं तो फिर बाद में मैं आ जाऊँगा। मैं इंतज़ार कर रहा था कि लाइट आ जाती तो मैं जरी करंटर जो लगानी है ना वो लगा लेता मिस्त्री के आने के पहले पहले, लेकिन लाइट अभी गई हुई काफ़ी देर की, अभी तक तो आई नहीं। पता नहीं अब क्या बनता, आती है कि नहीं आती। हाथ से जरी लगा रहा था तो ये काम डल गया है। अभी ये देखें पूरा हाथ ज़ख्मी हो गया मेरा, अभी खून इतनी मुश्किल से रुका हुआ है, अभी जाके इसका कोई इलाज करते हैं। तो ये जरी बाहर वाली बस थोड़ी सी रह गई, ये ग्राइंडर के साथ करनी है, बाकी इधर हो गई थोड़ी सी आगे रहती है, वो भी चल के करते हैं। तब तक मिस्त्री लोग आ जाते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे का क्या सिलसिला चलता है। यहाँ पर मेरे हालात बहुत बुरे हुए हुए थे, तो मैंने बस वीडियो बना ली, वॉइस भी नहीं की जा रही थी, क्योंकि सारा दिन काम कर कर के ना इस टाइम मेरी बहुत बुरे हालात थे, तो इस वजह से मैं घर भी आके वीडियो नहीं बनाई थी। तो अब जब दूसरे दिन गया हूँ तो फिर मैंने ये वीडियो बनाई है थोड़ी सी आगे। तो क्या करें जब काम कर रहे हो, एक तो गर्मी बहुत है, हवा वगैरह भी नहीं लगती, और बहुत मुश्किल बन जाती है हमारे लिए, अंदर ऐसे आपस बन जाती है जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन क्या करें, काम है फिर करना तो पड़ता ही है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। फिलहाल अभी तक तो सिर्फ वायरिंग का हुआ है। पंडित जी तो देख रहे हैं क्या हालात बने हुए, जब बंदा काम से थक के वापस आता है तो ये हालात होते हैं। कपड़े जहाँ सारे पसीने से भीगे हुए हैं, क्योंकि जरी लगा रहा था, तो उसकी वजह से ना मिट्टी भी सारी ऊपर है, पसीना भी सारा। इस टाइम बहुत बुरे हाल हो, गर्मी तो इतनी ज़्यादा है जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। अंदर काम कर रहे होते हैं ना तो बिल्कुल हवा वगैरह तो लगती ही नहीं ना, कुछ भी नहीं लगता। क्या करें, मजबूरी है, बच्चों के लिए कमाई भी तो करनी है।
अगर बैठे रहेंगे तो फिर काम कहाँ से करेंगे और खाए पियेंगे कहाँ से। अभी भी आया हूँ काम से, अभी मोटर चलाई है, जैसे पानी भर जाता है फिर नहाते हैं, नहा के तो फिर कपड़े चेंज करते हैं। तो इंशाल्लाह आज थक बहुत ज़्यादा गया, बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेगा। क्या बात है,